वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया, द स्कोर इन द मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। क्लास में टेस्ट हुआ था मैथ्स का, जिसमें 25 मार्क्स का टेस्ट था। उसमें से बच्चों ने, किसी ने 19 मार्क्स गेन किए, किसी ने 25 फुल मार्क्स गेन किए, किसी के 9 है, किसी के 5 है। ओके, सो ऐसे आपको मार्क्स दे रखे। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, मीन निकाल रहे थे। अब यहाँ पे मोड और मीडियन पूछा है। अब फटाफट से अगर आपको रिमेम्बर हो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, तो उसमें हमने मोड निकालना सीखा था, राइट? मोड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? मतलब जो नंबर बार बार लगातार रिपीट हो रहा है। बट उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे डाटा को अरेंज करेंगे। किसमें अरेंज करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे छोटा नंबर क्या है आपका यहाँ पे? 5, देन 9। आप कट करते जाना, सो ये बेनिफिट होगा कि आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। 5, 9, इसके बाद है 10, देन 12, देन 13, 14 नहीं है, 15, 16, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19, 20 है, 1, 2, 3 and 4 टाइम्स, 1, 2, 3 and 4 टाइम्स, राइट? ओके, उसके बाद क्या है, 20 के बाद 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23, राइट? 23 के बाद 24, राइट? देन 25 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, फाइन, वी आर डन। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोड। मोड क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा लगातार आ रहा है। अगर आप देखो तो 20 सबसे ज्यादा लगातार आ रहा है, सो व्हाट विल बी द मोड ऑफ द गिवन डाटा? 20, सिंपल। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड मीडियन। हाउ टू फाइंड द मीडियन? मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, ठीक है। अब आप ये देखो 15 है, अगर 15 के अकॉर्डिंग हम इसे छोड़े, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये अकेला बच गया, तो ये हो गया आपका मीडियन। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी आपको पता ही है, n+1/2th टर्म। एन कौन है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 15, 1, 2 ऐसे करके हमने काउंट की थी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 15। 15 by 2 plus 1, 15 plus 1 will be 16 by 2, ये हो जाएगा 8th टर्म। 8th टर्म कौन सी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, वही आई 20। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए। आप क्रॉस चेक करने के लिए मिडिल वाला मेथड भी यूज सकते हो, ये फॉर्मूला को भी ट्राई कर सकते हो, फाइन। अब वो पूछ रहे, आर दे सेम, मतलब जो मोड आया और जो मीन आया, क्या वो आंसर सेम आए? यस, दे आर सेम। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स थे, उन्होंने एक क्रिकेट मैच खेला और उसके अंदर इतने इतने रन उन्होंने स्कोर किए। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। अब इस डाटा की हेल्प से आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजें निकालनी है। आर 3 सेम, और बताना है क्या तीनों के आंसर सेम है? तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मीन। अब मीन निकालने के लिए सबको फॉर्मूला पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट? नाउ फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड ऑल द डाटा। 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15, 8, 10 and 15, राइट?
और कितने हैं प्लेयर्स 11, राइट। लेट्स एड ऑल, 6 प्लस 15 विल बी 21, 120 प्लस 50 विल बी 170, 100 प्लस 10, 80 प्लस 180 प्लस 190, ठीक है, 190 प्लस 15 प्लस 8 विल बी 23, 10 प्लस 15 विल बी 25, राइट। नाउ 5 फॉर 3, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9, 9 और 9 18, 19, 20, 21, 22, 429. So it will be 429 by 11. Okay, let's divide by 11. 11 के पास जाएंगे हम 33 पे. Okay, what will be left? 99. 3 9s are 99. So answer आ गया 39 will be your mean. Clear? नेक्स्ट पूछा है मोड। अब मोड निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे डाटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो पहला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास, 6, देन 8, 6, 8, 10 है 2 टाइम्स, राइट, देन 10 के बाद दिया हुआ है 15, 1, 2, 3 टाइम्स, आफ्टर दैट 80, 50, देन 100 एंड 120, दैट्स इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ओके, ये दिए हुए हैं आपको नंबर्स, हमने असेंडिंग में अरेंज कर दी। Now we have to find the mode. Mode क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार repeat हो। If you will see 15 repeated more number of time. So here mode will be 15. Clear? Next we have to find the median. What is the meaning of median? Middle value. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5 और ये बच गया 15. So median भी क्या है, 15, और हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, n प्लस 1 बाय 2 एथ टर्म, राइट। n क्या है, 11 है, प्लस 1 बाय 2 मतलब 12 बाय 2, लॉगेस्ट टर्म क्या जाएगा, सिक्स्थ टर्म, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सिक्स्थ टर्म भी 15 आ रहा, और ऐसे आंसर भी आपका 15 ही आ रहा है। नाउ दे आर आस्किंग आर 3 सेम, क्या ये तीनों सेम है, मीन आया आपका 39, मोड आया 15, मीडियन आया 15, आर दे सेम, नो दे आर नॉट, ओके। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर टू यू, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, बाय बाय।